अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है बुरैर और आप देख रहे हैं माचरा टीचर टेक्नीशियन। आज मैं नई वीडियो भी स्टार्ट करने वाला हूँ और हम लोग कंप्यूटर के सारे टॉपिक कवर करने वाले हैं। इंशाल्लाह इस पर सारी वीडियो बनाऊंगा क्योंकि कंप्यूटर की आ गई है हमारे पास नई बुक, जिसके बारे में मैंने बताया था शायद एक वीडियो में कि कंप्यूटर की यूनिट सेंटेक्स की बुक आई है। वो काफ़ी अच्छी और काफ़ी बेहतर है क्योंकि पहले जो हम कंप्यूटर की बुक पढ़ रहे थे वो बहुत ज़्यादा पुरानी हो गई थी। इवन अगर देखा जाए तो उसमें विंडोज़ 95 की चीज़ें मौजूद थी। तो नई बुक में हमारे पास क्या है, नई बुक में हम लोग काफ़ी ज़्यादा चीज़ों की बात करते हैं। जैसे कि अगर देखा जाए तो क्योंकि ये कोविड के ज़माने में बुक लॉन्च हुई है, तो यहाँ पे SLOs की बात हुई है, स्टूडेंट लर्निंग ऑब्जेक्टिव की या स्टूडेंट लर्निंग आउटकम की बात हुई है कि स्टूडेंट को किस तरह ज़्यादा से ज़्यादा सही कंप्यूटर समझाया जा सके। क्योंकि अब जो ज़माना है वो तो है ही हमारा एडवांस टेक्नोलॉजी का, तो कंप्यूटर समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसका देखा जाए तो बिस्मिल्लाह से शुरू है। भाई मेरी वीडियो का भी बिस्मिल्लाह से शुरू होना चाहिए था। सबसे पहला चैप्टर है हमारा फंडामेंटल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, दूसरा चैप्टर है हमारा फंडामेंटल पहला चैप्टर है हमारा फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, दूसरा है हमारा फंडामेंटल ऑपरेटिंग सिस्टम, तीसरा ऑफिस ऑटोमेशन, चौथा हमारा डाटा कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्क, पाँचवा हमारा कंप्यूटर सिक्योरिटी एंड एंड इथिक्स एंड वेब डेवलपमेंट, और सातवां हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ डेटाबेस। तो इस चैप्टर बुक का मैं रिव्यू इस बात से दे रहा हूँ कि आपको आइडिया रहे कि हम अगले चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर की बात करें, तो एक फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर का चैप्टर ये जो हमारी पुरानी बुक में मौजूद था पिछली वाली बुक में, लेकिन इन दोनों चीज़ों को हम लोगों ने मिला के एक बना दिया। सबसे पहले आता है कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन कि कंप्यूटर किस तरह एवोल्यूशन हुए कंप्यूटर की। पहले हमारे पास डार्क एरा था, डार्क एरा में हमारे पास तरह तरह के डिवाइसेस थे। आज हम पूरी बुक का रिव्यू करने वाला, तो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, हो सके 20 मिनट तक की वीडियो। तो जल्दी जल्दी सिर्फ टॉपिक देखते हैं कि टॉपिक को बाद में डिटेल में तो एक वीडियो बनानी है हर चैप्टर की। तो डार्क एरा को डार्क एरा इस बात से कहा जाता था कि उस वक्त इलेक्ट्रिसिटी मौजूद नहीं थी। तो हम लोग यहाँ पे ये बात बोलते हैं कि कुछ उस वक्त डिवाइस थे जो कैलकुलेटिंग, जिसकी वजह से हम लोग ये सब चीज़ें कैलकुलेट करते थे। उसमें हमारे पास अबैकस आ गया, उसमें हमारे पास लाइट रूल आ गया, उसमें हमारे पास पास्कलियन आ गया, डायनेमिक्स कैलकुलेटर आ गया, और सबसे आखिरी जो हमारे पास आया था बेबेज इंजन। अब कमाल की बात यह है कि बेबेज हम लोगों का फादर ऑफ कंप्यूटर कहलाते तो हैं, यानी चार्ल्स बेबेज या चार्ल्स बेबेज, ये हमारे एक तरह से फादर ऑफ कंप्यूटर कहलाते तो हैं जिसका लिखा हुआ है। लेकिन सारी बात यह है कि इस ज़माने में कंप्यूटर का कोई इतना मेन कॉन्सेप्ट नहीं था, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी का ही कॉन्सेप्ट नहीं था, और ये डार्क एज में काम आते हैं। लेकिन इन्होंने एक ऐसी डिवाइस बनाई थी जिसमें हमारे पास नंबर स्टोर भी हो सकते थे और कैलकुलेशन भी हो सकते थे, प्रूफ ऑफ फार्मूला हो सकता था। तो इनकी दो डिवाइस मशहूर हैं, एक था बेबेज इंजन या डिफरेंस इंजन और एक एनालिटिकल इंजन। ये दो तरह की डिवाइस थी। इनकी डिटेल के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे अगली वीडियो में। फिर हमारे पास क्या, भाई डार्क एज जब खत्म हो गया तो हमारे पास मॉडर्न एज आया। मॉडर्न एज के बाद जनरेशन ऑफ कंप्यूटर आया। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में हम लोगों ने ये बोला कि हमारे पास फर्स्ट जनरेशन थी, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, फिफ्थ जनरेशन, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना चल रहा है। तो वहाँ पर हम लोगों ने जनरेशन ख़त्म की थी। इस चैप्टर को मैं इतफाक इस बात से बता रहा हूँ ताकि हम लोग एक चीज़ का पढ़ के आगे बढ़ सकें, और यह है कि इन चैप्टरों पे मैं कंप्लीट वीडियो बनाऊंगा, उसकी भी बाकायदा पार्ट्स पार्ट्स में पूरे डिटेल में जाऊंगा। फिलहाल हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर की, यानी कंप्यूटर का डार्क एरा हो चुका, मॉडर्न एरा आ चुका, अब कंप्यूटर बन चुका है, और अब हमारे पास क्या चल रहा है। अभी अब हमारे पास चल रहा है कि कंप्यूटर किस किस तरह से कैटेगराइज किया जा सकता है हमने कंप्यूटर को। अब क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर हमारे पास तीन तरह से होती है, डाटा टाइप या टेक्नोलॉजी में, साइज में, या पर्पस में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टेक्नोलॉजी या डाटा टाइप में। तो तीन तरह के कंप्यूटर होते हैं हमारे पास, एनालॉग, डिजिटल, हाइब्रिड। इन सब की भी डिटेल में वीडियो बनेगी। कंप्यूटर का साइज के हिसाब से देखा जाए सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, और हमारा जो यूज़ होता है माइक्रो कंप्यूटर। पर्पजेज के हिसाब से जनरल पर्पस, जैसे कि हमारा कंप्यूटर, और स्पेशल पर्पस जिसमें बाकी सारे कंप्यूटर आते हैं। फिर आगे देखा जाए कहाँ कहाँ कंप्यूटर यूज़ होता है, किस किस जगह काम आता है, ये सारी चीज़ें इसमें छोटी छोटी चीज़ें। और फिर IT करियर फील्ड में हम लोग कंप्यूटर में कहाँ कहाँ बात कर सकते हैं। अगर देखा जाए तो IT में हमारा बहुत बड़ा एक करियर पड़ा हुआ है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ी हुई है, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन बनी हुई है, डाटा एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ी है, वेब डिज़ाइनर पढ़े हुए हैं, ग्राफिक डिज़ाइनर पढ़े हुए हैं, इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी एनालिस्ट पढ़े हुए हैं, और एक कंप्यूटर का टीचर जो हम लोग भी पढ़े हुए ही हैं बस। तो ये सारी चीज़ों में हम लोग इंक्लूड होते हैं। और IT फील्ड अगर देखी जाए और यहाँ पे करियर उसमें देखा जाए तो बहुत बड़ा है और बहुत ज़्यादा इसका स्कोप है। तो जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं। IT करियर हमारा हो चुका सिंपल। सबसे पहले कंप्यूटर की बात की जाए, सबसे पहले कंप्यूटर का जो हार्डवेयर जो मेन होता है जिस पर कंप्यूटर डिपेंड करता है, वो उसका मदरबोर्ड होता है, और फिर जाके प्रोसेसर। क्योंकि मदरबोर्ड एक डिज़ाइन होता है, जैसे कि हमारे पास i5 का मदरबोर्ड या फिर एक स्पेसिफिक मदरबोर्ड है, तो उस पर तीन प्रोसेसर चल सकते हैं खास जनरेशन के। जैसे i5 थर्ड जनरेशन का मदरबोर्ड है, तो उसमें हमारे पास i3 थर्ड जनरेशन, i7 थर्ड जनरेशन तीनों चल पाएंगे। तो मदरबोर्ड और प्रोसेसर डिफाइन करते हैं कंप्यूटर या CPU क्या चीज़ है। ओके,
फिर से कुछ टर्मिनोलॉजीज, जल्दी जल्दी हमें चैप्टर जब पढ़ के ख़त्म करेंगे तो हमारा आखिरी टॉपिक इसमें होगा सारी हार्डवेयर्स के बाद हमारे पास आएगा सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर में हम लोग पढ़ेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्क ड्राइवर, यूटिलिटी प्रोग्राम, लैंग्वेज ट्रांसलेटर। तो और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में भी हम काफ़ी सारे टाइप्स पढ़ेंगे। तो जब हमारे पास सॉफ्टवेयर्स का टॉपिक ख़त्म हो जाएगा तब हमारा चैप्टर भी ख़त्म हो जाएगा और अगला जो चैप्टर देखेंगे तो हम लोगों ने बोला कि कंप्यूटर बन गया, कंप्यूटर का एरा ख़त्म हो गया, कंप्यूटर डिज़ाइन हो गया। अब हमारा सॉफ्टवेयर, सबसे पहला सॉफ्टवेयर आता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम, जो सिस्टम सॉफ्टवेयर की एक टाइप होती है। जैसा कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे, अभी मैंने बात किया हर चैप्टर के अलग अलग वीडियो बनानी है तो उसे बुक का रिव्यू देना थोड़ा सा। हर एक का अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पास यूज़र होता है। आईफोन्स में iOS यूज़ कर रहे होते हैं, नॉर्मली फोन्स में हम लोग एंड्रॉयड यूज़ कर रहे होते हैं, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ऐसे वो सब कंप्यूटर में फेमिलियर है, और बाकी सारे भी ऑपरेटिंग सिस्टम है। और यहाँ एम एस डॉस को भी बड़ा अच्छा सा बनाया हुआ लोगों, जो उसका लोगो था ओरिजिनल। तो यहाँ ऑपरेटिंग सिस्टम का जब चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, हम लोगों को ऑपरेटिंग सिस्टम को चैप्टर में टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम बताया जाएगा, काफ़ी तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम बताए जाएंगे और इंस्टॉलेशन बताई जाएगी, किसी तरह विंडोज़ की इंस्टॉलेशन क्या होती है, चंद उसके बेसिक स्टेप, और एम एस ऑफिस की इंस्टॉलेशन, एम एस ऑफिस की इंस्टॉलेशन क्या होती है और उसके भी बेसिक स्टेप। फिर आगे बढ़ते हैं तो हम लोग आगे यहाँ पे बात आती है कि हमारे पास सिस्टम सॉफ्टवेयर हो गया, अब हमें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की ज़रूरत है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सबसे ज़्यादा मशहूर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हमारा एम एस ऑफिस। एम एस ऑफिस में हम लोग एम एस वर्ड के बारे में और इसकी सारी जो चीज़ें होती हैं उससे आगे बढ़ते बढ़ते हुए जाके वीडियो थोड़ी तेज चला रहा हूँ ताकि क्या बोले, एम एस वर्ड और एम एस एक्सेल के बारे में हम लोग टोटली पढ़ने वाले हैं इसमें, कि एम एस एक्सेल में क्या क्या फंक्शन होते हैं और एम एस वर्ड में क्या क्या फंक्शन होता है। तो ये हो गया हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का टॉपिक हमारा खुद ब खुद ही खत्म हो गया। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो बुक पूरे कंटिन्यूस फॉर्म में है कि हमारे पास सबसे पहले कंप्यूटर आ जाए, फिर सिस्टम सॉफ्टवेयर आ जाए, फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आ जाए। सिस्टम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर तो आ गए, इसके बाद हमारे पास क्या बनता है भाई? इसके बाद हमारे पास है डाटा कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्क। क्या हमारे पास कंप्यूटर बन गया है, कंप्यूटर में हमारे पास हार्डवेयर आ गए हैं, सॉफ्टवेयर आ गए हैं, सॉफ्टवेयर हमारे पास सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दोनों पे एक चैप्टर हो गया है। तो अब हमारे पास बनता है डाटा कम्युनिकेशन, कि डाटा किस तरह कम्युनिकेट किया जाता है या किस तरह सॉफ्टवेयर हमारे चलाए जाते हैं या किस तरह हम लोग इंटरनेट यूज़ करते हैं। तो डाटा कम्युनिकेशन का भी एक बहुत बड़ा चैप्टर है और देखा जाए तो सब बहुत सारे चीज़ें, डाटा की टर्मिनोलॉजीज क्या होता है, डाटा किस तरह सिग्नल ट्रैवल करते हैं एनालॉग, और हमारे डिजिटल सिग्नल में डिफरेंस क्या होता है, और किस तरह एक प्रोटोकॉल पे या किस तरह हमारे एक कम्युनिकेशन सिस्टम काम करता है। तो ये सारे टॉपिक हैं। अब ये है कि ट्रांसमिशन मीडियम, ये भी एक बड़ा टॉपिक है लेकिन इस बार कट गया है टॉपिक कोर्स रिड्यूस होने की वजह से। तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं, इस चैप्टर को जल्दी से आगे बढ़ाते हैं और हम लोग अगले चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। ये सारी चीज़ें इसमें आएंगी, जितना भी हमारे डाटा कम्युनिकेशन की डिवाइस होती हैं, कम्युनिकेशन की डिवाइस या कम्युनिकेशन कोई भी टर्मिनोलॉजी, इस चैप्टर पढ़ने के बाद आपको पूरा फेमिलियर हो जाएंगे। इस चैप्टर पर जल्दी वीडियोज़ बनाऊँगा मैं और इसकी टेक्नोलॉजीज और आगे बढ़े जा रहे हैं, बढ़े जा रहे हैं, बढ़े जा रहे हैं। आगे इस चैप्टर में जो आखिरी जो हमारा टॉपिक आता है वो हमारे पास क्या आता है कि नेटवर्क एड्रेसिंग, और इसकी फिज़िकल एड्रेस और लॉजिकल एड्रेस क्या होता है, तो इसके ऊपर भी पूरी एक वीडियो बनानी है। अब आगे जो हम लोगों का बुक का रिव्यू देना है वो चैप्टर नंबर 5 कंप्यूटर सिक्योरिटी एंड एथिक्स, उसमें हम लोग पढ़ेंगे जो बच्चों का बहुत पसंदीदा टॉपिक होता है कि किस तरह कंप्यूटर की सिक्योरिटी की जाती है और किस तरह उसे हैकिंग से या फिर उसे क्रैकर से बचाया जाता है, या साइबर क्राइम क्या होते हैं या साइबर क्रिमिनल्स क्या होते हैं, तो उसकी भी मैं डिटेल में वीडियो बनाऊंगा। तो चैप्टर नंबर 5 हमारा कंप्यूटर सिक्योरिटी पर डिपेंड करता है कि किस तरह कोई चीज़ क्रैक होती है या किस तरह क्रैक होती है, क्या हैकिंग होती है, क्या चीज़ें और साइबर क्राइम होती हैं, और किस तरह हम लोग वायरस से बचाए जा सकते हैं यानी कोई वायरस। और इस चैप्टर में बाकायदा एंटीवायरस के बारे में भी बताया गया है कि एंटीवायरस का काम क्या होता है और कंप्यूटर किस तरह सेव रखा जा सकता है, या कंप्यूटर को किस तरह आपको ऑथराइज किया जा सकता है कि आपके जो पर्सनल आइडेंटिटी नंबर होता है वो कोई और यूज़ ना करे, और किस तरह बायोमेट्रिक एक काम करता है। तो बुक को अगर देखा जाए तो बुक बहुत अच्छी है, कॉपीराइट्स के बारे में बताया, पेटेंट के बारे में बताया, ट्रेडमार्क के बारे में बताया। अब जैसे कॉपीराइट्स, जहर सी बात जो मैं बुक रिव्यू कर रहा हूँ, बुक के कॉपीराइट सिंटैक्स बुक के पास ही हैं और उन्हीं का पेटेंट और उनका ट्रेडमार्क इसमें होगा मौजूद सिंटैक्स बुक में, बुक के पीछे, कि पता चल जाए कि ये बुक सिंटैक्स बुक की है। तो कंप्यूटर सिक्योरिटी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और देखा जाए तो सारे चैप्टर इंपॉर्टेंट है, नई बुक बहुत ही प्यारी आई है। वेब डेवलपमेंट पर तो आज ही वीडियो आ गई है, वेब डेवलपमेंट पर हमारी वीडियोज आज ही देख सकेंगे आप लोग, और
वेब डेवलपमेंट हम लोग बहुत स्टेप स्टेप में लेके चलेंगे, और बताऊंगा पूरा कि वेब क्या साइट कैसे बनती है या वेब पेज किस तरह बनती है, किस किस तरह की टर्मिनोलॉजीज होती हैं, किस तरह एक HTML का डॉक्यूमेंट रिटर्न किया जाता है जिससे हमारी एक वेबसाइट बन पाती है। फिर आगे इस चैप्टर मजीद चल रहे हैं तो हम लोगों को पता चलेगा किस तरह से उनकी अलाइनमेंट होती है और किस तरह उसकी एग्जाम्पल हमारे पास शो होती है। फिर चैप्टर के बिल्कुल आखिर में अगर देखा जाए तो जल्दी जल्दी चैप्टर हम ख़त्म करते हैं, चैप्टर नंबर 7 की तरफ आते हैं। चैप्टर नंबर 7 हमारा लास्ट चैप्टर है भाई। चैप्टर नंबर 7 हम लोगों ने बोल दिया कि इंट्रोडक्शन ऑफ डाटा बेस। जाहिर सी बात है हमारी वेब का कोई ना कोई डाटा बेस होता है, तो डाटा बेस का भी चैप्टर हमारे पास दिया हुआ है। और देखा जाए तो ये हमारी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर सब के मिला के एक बुक बना दिया 9th क्लास की, तो ये चैप्टर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और देखा जाए तो इस चैप्टर में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें डिफाइन की हुई हैं, लेकिन इस साल सारा इशू ये हुआ है कि कोविड की वजह से हमारा कोर्स रिड्यूस हो गया, तो काफ़ी ज़्यादा टॉपिक डिटेल में नहीं पढ़ाए जाएंगे, लेकिन अगले साल तो वह इंपॉर्टेंट होंगे तो मैं वीडियो में पूरा कम्प्लीटली डिफाइन करूँगा। तो आगे बढ़ते हैं, इस चैप्टर ख़त्म होने के बाद इस बुक के आखिर में आपके बिल्कुल अच्छा इस बुक में काफ़ी सारी चीज़ें हर चैप्टर में दी हुई हैं कि क्या क्या एक्टिविटीज़ हम परफॉर्म कर सकते हैं, किस तरह हम मैच द कॉलम कर सकते हैं, तो ये चीज़ हम परफॉर्म करके देखिएगा और इसके बारे में अपने टीचर से सवाल पूछिएगा कि किस तरह हम चीज़ें कर सकते हैं। और आखिरी जो चीज़ है इसमें बाकायदा वेबसाइटों के लिंक दिए हुए हैं कि अगर आपको ये चीज़ और समझनी है फायदा जैसा मैं समझा रहा हूँ उसकी और डिटेल में जाना, तो ये वेबसाइट के लिंक्स मौजूद हैं इस वेबसाइट की बुक में यानी इस सिंटेक्स की बुक में। तो ये एक तरह से देखा जाए तो बहुत अच्छा स्टेप लिया है यहाँ पर बुक नहीं बना के कंप्यूटर की, और बुक के आखिर में इन लोगों ने बता दिया है कि भाई 9th क्लास के क्या क्या प्रैक्टिकल होने चाहिए। तो मेरे साथ साथ जो भी कंप्यूटर चला रहे हैं भाई उसको एक ना एक बार विंडो इंस्टॉल तो करनी आनी चाहिए, क्योंकि विंडो इंस्टॉल करने का अलग से लगते हैं चार्जेस, और विंडो इंस्टॉल इसको करनी नहीं आती तो बस मैं बोलूँ क्या आता उसको कंप्यूटर में। फिर एक देखा जाए जब विंडो इंस्टॉल हो गई तो हम लोगों का MS ऑफिस भी चलाना आना चाहिए, यानी कोई ना कोई तो फॉर्मेटिंग डॉक्यूमेंटेशन कुछ ना कुछ तो काम आती है। अगर आप किसी भी प्रोफेशन से ताल्लुक रखते हैं तो आपको MS ऑफिस आना चाहिए। फिर MS एक्सेल, जो भी हमारे पास अकाउंटिंग के बंदे हैं या अकाउंटिंग का जो भी वर्कर्स हैं वो MS एक्सेल पर बहुत ज़्यादा काम करते हैं। और आखिरी हमारे पास क्या है, HTML का जो वेब पेज क्रिएट होता है वो हम लोगों का पढ़ेंगे इसमें, और इसके भी मैं प्रैक्टिकल बाकायदा परफॉर्म करके दिखाऊंगा अगली वीडियो में। तो यहाँ पे ये बुक का रिव्यू हो गया। बुक में हमारे पास तकरीबन एक तरह से देखा जाए तो 7 चैप्टर हैं, 7 चैप्टर के बारे में बता चुका हूँ, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर के कंप्यूटर बनता किस तरह से, कंप्यूटर में क्या क्या टेक्नोलॉजीज होती हैं, फिर ऑपरेटिंग सिस्टम, फिर ऑफिस ऑटोमेशन, फिर डाटा कम्युनिकेशन, फिर कंप्यूटर की सिक्योरिटी कितनी ज़रूरी है, और वेब डेवलपमेंट क्या होती है और डेटाबेस क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए और ये सारी चीज़ें आपको पता हो जाएंगी अगर आप मेरी वीडियोज़ देखते रहेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आप ये सारी वीडियोज़ देख पाएँ। शुक्रिया, उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी, और बाकी अगले इस बुक की वीडियोस में जल्दी से जल्दी डालता रहूँगा क्योंकि लॉकडाउन मेरे पास है अभी थोड़ा टाइम, तो जल्दी से जल्दी इसको ख़त्म कर दूंगा। तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें जितने भी स्टूडेंट हैं उनसे, और जो स्टूडेंट नहीं भी हैं उनसे, ताकि उनकी इन्फॉर्मेशन में इजाफा हो। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।